ज़बान में किराए से मुतालिक जो मसाइल हैं, किसी चीज़ को किराए पर ले लेना या किसी चीज़ को किराए पर दे देना, या इंसान अपना कोई ज़ाती काम करवाए और उस काम की कोई उजरत तय हो जाए, कि मिसाल के तौर पे दर्जी को कपड़े दिए, साइज़ दिया और कहा कि भाई इसके दो सूट आप मेरे लिए बना लें, दर्जी अपनी मेहनत करके आपको आपके कपड़े बना के देगा तो आप दर्जी को उसकी उजरत दे देंगे। तो आज के जो मसाइल हैं ये इजारा यानि हमारे वो मामला जो किराए के लेन देन से मुतालिक है या किसी चीज़ की उजरत से मुतालिक है उसके बारे में है और अहम मसाइल हैं। पहला मसला ये है कि अगर कोई अपनी ज़ाती जगह को, जैसे आम तौर पे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा माहौल है कि लोग अपने मकानात, घर, फ्लैट किराए पर देते हैं और बहुत बड़ा हिस्सा लोगों का वो रिहाइश के एतबार से किराएदार कहलाता है। अब इंसान अपनी ज़ाती जगह, चाहे वो घर है, चाहे वो दुकान है, चाहे वो प्लॉट है, कोई भी चीज़ है, अगर वो किसी को इजारे पर यानि किराए पर देना चाहे तो इस किराए पर देना जायज़ है, लेकिन इसके लिए दो बुनियादी शर्तें। एक शर्त तो ये है कि इजारा जिस कदर है वो तय हो जाए, आप कितना किराया देंगे, ये मुबहम ना हो, ये कहा जाए कि भाई हम तो आपस में भाई हैं, दोस्त हैं और अब ये क्या आपस में तय करेंगे, देख लेंगे। ये जो देख लेंगे वाली बात होती है ये फिर वाकई बाद में एक दूसरे को देख रहे होते। क्यों? इसलिए कि जहां इंसान शरीयत के जाब्ते के खिलाफ चलता है और अपने आप को ये समझता है कि मैं सिला रहमी कर रहा हूं, शरीयत उस चीज़ को मना कर रही है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने लिखा, इंसान जितना भी अपने जहन के एतबार से अपने आप को सिला रहमी पर समझे, लेकिन शरीयत जब मना कर दे तो समझ जाए कि मैं गलत जा रहा हूँ। जाहिर यही दिखा रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ लेकिन शरीयत मना करती है। इसलिए जो चीज़ किराए पर दे या ले तो बुनियादी शर्त यह है कि उसकी उजरत, वो किराया मुतय्यन हो जाए, 500 है या 5000 है या 5 लाख है, लेकिन तय हो जाए कि भाई ये इस कदर किराया आपके ज़िम्मे होगा, एक बात। और दूसरी चीज़ यह है कि मुद्दत इजारा, आप इस चीज़ को किराए पर ले रहे हैं तो कितनी मुद्दत है। आजकल हम इसको कहते हैं एग्रीमेंट, एग्रीमेंट तय हो जाता है आमतौर पे 1 साल का और बाज़ लोग ताल्लुक़ की वजह से 2 साल या ज़्यादा में भी चले जाते हैं, लेकिन तय हो जाए कि आप इस घर में 1 साल रहेंगे, 11 महीने रहेंगे, 2 साल रहेंगे या 3 साल रहेंगे, जो भी है वो भी तय हो जाए। तो इजारे में और किराए में बुनियादी चीज़ें कितनी हो गई, दो, कि इजारे की मुद्दत कितनी है और इजारे की हद क्या तय हुई, आप कितना किराया इसको देंगे। लिहाजा ये दो बातें तय हो जाएं और अफजल ये है कि इसको तहरीरी शक्ल में ला दिया जाए और फिर दोनों साथी एक दूसरे के हवाले कर दें उसकी कॉपियां और उस पर शहादत यानी जो गवाह हो उसके साइन हो जाए, ये मामला बिल्कुल साफ हो गया। समझ में आ गया? तो अब अगर किसी ने अपनी कोई चीज़ किराए पर दे दी और सामने वाले ने वो चीज़ किराए पर ले ली, ठीक है, और तय हुआ कि भाई आने वाली जो 1 नवंबर है इससे ये घर आपको किराए के लिए मिल जाएगा, ठीक है, 1 साल का एग्रीमेंट भी तय हो गया, हर महीने का 10,000 किराया भी तय हो गया, चाबी भी दे दी। 1 नवंबर जब आई तो जो किराएदार था जिससे मामला हुए थे वो नहीं आया, वो नहीं आया, और 30 नवंबर आ गई, तो 30 नवंबर को मालिक मकान ने क्या करना था, आके इससे 10,000 किराए का मुतालबा करना था ना। लेकिन जब वो आया तो इस शख्स ने कहा कि जी ठीक है, हमारी बात तो हो गई थी, एग्रीमेंट तय हुआ, चाबी दे दी, लेकिन मैं आ नहीं सका और मैंने आपके घर से कोई फ़ायदा नहीं उठाया तो मैं किराया देने का पाबंद नहीं। तो अब सवाल ये है
कि आया वाकई इस शख्स से किराए का मुतालबा नहीं हो सकता या मालिक मकान इससे किराए का मुतालबा करेगा। वो इससे मुतालबा करेगा और उसका हक है, इसलिए कि जब एक दफ़ा मामला तय हो गए, चाबी मिल गई, इसकी मर्ज़ी घर को खाली रखे, घर में खुद रहे, घर में फैमिली को लाए, कुछ भी कर ले, अब इसके ज़िम्मे हो गया। लिहाजा अब इसका ये कहना कि मैंने इससे ज़ाती फ़ायदा नहीं उठाया और घर खाली रहा, लिहाजा मैं किराए देने का पाबंद नहीं हूँ, इस बात की कोई हैसियत नहीं होगी और ये किराए देने का पाबंद होगा। ये अहम मसला है। अच्छा, इसी तरीके से बाज़ दफ़ा, ये तो घर मकान वग़ैरह की बात है, इंसान अपनी कोई ज़रूरत की चीज़ है, जैसे मैंने मिसाल अर्ज़ की कि कपड़े हैं, हम अपने गैर सिले हुए कपड़े दर्जी को दे देते हैं या सिले हुए कपड़े धोबी को दे देते हैं साफ़ करने के लिए, धोने के लिए वगैरह, और उससे कहते हैं भाई ये कपड़े आप मेरे लिए सी लें, वो आपका नाप लेता है, आप मकदार भी बता देते हैं कि भाई 2 सूट बनाने, 3 सूट बनाने, वो आपको तारीख बता देता है इस तारीख को आ जाए, 1 सूट के 700 रुपये लूँगा, पर्ची आपको बना के दे देता है। इसी तरह होता है मामला। अब मेरा कपड़ा उसके पास है, वो मुझे कपड़ा सी करके, या धोबी के पास है तो कपड़ा धोबी धो करके फलां तारीख को देगा। अब जब वो तारीख आ गई और मैं गया या दर्जी मेरे पास आया कपड़े ले करके, तो उसने कहा कि भाई आपके सूट तैयार हैं ले लें, तो मैंने कहा कि सही है भाई, मैं आपको पैसे परसों भिजवा दूंगा। मसला समझ रहे हैं आप? बाकी मामला बिल्कुल सही गए, लेकिन मैंने दर्जी से या धोबी से कहा, जबकि मेरी ज़रूरत पूरी हो गई उसी तारीख पर, मैंने कहा आपके पैसे परसों दे दूंगा या 1 हफ्ते बाद दे दूंगा। उसने कहा ठीक है, जब आप पैसे दे देंगे तो मैं आपको आपके कपड़े दे दूंगा। मकसद ये कि मैं भी नहीं दूंगा जब तक आप मुझे मेरे मामला हवाले नहीं करते, मैं आपको आपकी चीज़ नहीं देता हूँ। समझने की बात इस मसले में ये है कि आया ये दर्जी या ये धोबी या जिससे भी कोई काम करवाया है, उसको ये हक है कि वो चीज़ को उस वक्त तक रोक दे जब तक पेमेंट ना हुई हो, बिल्कुल ये हक हासिल है उसको। लिहाजा पहले पैसों की अदायगी करें, फिर अपनी चीज़ वसूल करें। हाँ, ये कोई ऐसा ज़ाबता नहीं है कि जो लुजूम के दर्जे का हो, जैसे माशरे में ताल्लुकात की बुनियाद पर, और इस वजह से इंसान बाज़ दफ़ा कहता है जी जी ठीक है, कोई मसला नहीं है, पैसे आ जाएंगे, वो एक अलग सिला रहमी है और एक एहसान है। लेकिन मकसद ये कि अगर वो शख्स ये कह दे कि नहीं जी, जब तक पैसे नहीं आते तो मैं आपको आपके कपड़े नहीं दूंगा, तो ये हक उसको हासिल है और वो आपके कपड़े रोक सकता है जब तक आप उसको उसकी पेमेंट नहीं देते। अच्छा, इसी के ज़िमन में एक मसला ये भी है कि इंसान अपनी कोई चीज़ किसी को बनाने के लिए देता है, जैसे गाड़ी है, कपड़े हैं, मोबाइल है, गए उसके पास गए और कहा कि भाई मेरा ये मोबाइल है, इसमें स्क्रीन का मसला है, साफ़ नहीं आ रही, काम करना है। उसने चेक किया कि भाई इसकी तो स्क्रीन उड़ गई है, इस पर 5,000 रुपये ख़र्चा है, काम है। तो मैंने कहा ठीक है, जितना भी हो लेकिन काम आप ख़ुद कीजिएगा, इसलिए कि मेरा ये मोबाइल बड़ा कीमती है, इसमें मेरा डेटा है, खुदा न खास्ता वो ज़ाया ना हो जाए, तो आपके हाथ में दे रहा हूँ, काम आपने ख़ुद करना है, तो तभी मुझे इत्मीनान होगा। और उसने कहा जी जी बिल्कुल, आप बेफिक्र हो जाए, आपको रसीद दे दी 5,000 की। बाद में मसरूफ़ आदमी था, उसने अपने मुलाजिम को बुलाया और उसको कहा भाई ये देख लें, ज़रा चेक कर लें इसको क्या है। और मुलाजिम ने, जो जाहिर सी बात है कि वो एहतियात नहीं की, जो उस आदमी को ख़दशा था असल मालिक को, वही हुआ यहाँ पर, और उसकी बे एहतियाती की वजह से इसके मोबाइल को कोई नुकसान पहुँच गया, और उस असल मालिक को पता चल गया कि मैंने इस आदमी को कहा था काम खुद करना है और इसने वो अपने मुलाजिम से कराया या किसी और दुकानदार से करवा दिया। तो ऐसी सूरत में आया असल मालिक को ये हक हासिल है कि वो इसके पैसे रोक दें कि आपसे जब खुद तकाजा किया था आपने क्यों मुलाजिम से करवाया, तो वाकई उसको ये हक हासिल है कि वो उसको कहे आपने मेरी डिमांड पूरी नहीं की, मेरी शर्त पर आपने पूरा अमल नहीं किया, लिहाजा आप मुझे मेरी चीज़ वापस करें,
उसी हालत में दे दे, जैसे भी दे, मैं आपको आपके पैसे नहीं दे रहा हूँ, तो वो ऐसा कर सकता है। समझ गया आप बात को? तो मकसद ये है कि अगर कोई इंसान किसी से कोई काम उजरत पर, किराए पर करवाए और ये शर्त लगा दे कि आपने या आपके फलां मुलाजिम ही ने करना है, और वो उसको कबूल भी कर ले, तो फिर उस पर अमल करना ज़रूरी हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से इजारे में और किराए से मुतालिक एक मसला ये है कि अगर इंसान कोई चीज़ इजारे पर दे और काम करने वाले को उजरत में उसी का कुछ हिस्सा तय कर लें, ये बड़ा अहम मसला है, और ख़ास तौर पे हमारे जो गांव देहात की ज़िंदगी है, शहर में तो हर चीज़ दुकान से तैयार ले ली, आटा है, चीनी है, जो भी है, लेकिन गांव देहात की जो ज़िंदगी है उसमें लोग फसलें उगाते हैं, और वो फसल जब तैयार हो के कट कर आती है तो उसकी सफाई के लिए उसको मशीन पर भेजना पड़ता है ताकि वो साफ होकर आपके पास आटे की शक्ल में या चावल की शक्ल में या फलां की शक्ल में आ जाए। तो बहुत सारे ज़मींदार, ज़मीनों वाले ऐसे होते हैं जिनके पास वो मशीन नहीं होती, फसल काट ली, बोरियाँ बना के मशीन वाले के पास चले गए। आप समझें, उससे कहा कि भाई ये गंदम आपके पास ले आया हूँ, आप इसको पीस ले अपनी मशीन पर, चक्की पर, और जितना आटा बन जाए, इससे तैयार हो जाए, तो उसमें से, उसी में से 5 किलो वो आपकी उजरत हो जाएगी। आप समझ रहे हैं बात? यानी इसने जो काम उस आदमी से करवाया तो उजरत में अलग से कोई चीज़ नहीं दी, बल्कि उसी दी हुई चीज़ का एक हिस्सा उजरत बना दिया। समझ गए? और बहुत आसान कर दे तो आप, जैसे मिसाल के तौर पे हम ईद उल अज़हा में कसाई को बुलाते हैं और उससे कहते हैं भाई मेरी ये गायें काट लें और उजरत में इसी की खाल ले जाइएगा आप, तो वो उसी गाय का हिस्सा है ना, तो ये जायज़ नहीं है दोस्तों। जो काम इंसान किसी से उजरत पे करवाए और उसके लिए कोई चीज़ उसके हवाले करे, चाहे वो गंदम है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, तो उस चीज़ का कोई हिस्सा उजरत नहीं बन सकती। समझ में आ गया? उसके लिए अलग से रकम तय करे या कोई और चीज़ तय करे, जो भी हो, लेकिन वो चीज़ उजरत के ज़ुमरे के अंदर नहीं आएगी। अगर ऐसा मामला हुआ तो ये इजारा इजारा फासिदा बन जाएगा। इजारा फासिदा का मतलब ये है कि किसी ने मसले से लाइल्मी की वजह से ऐसा कर लिया और उसको कहा भाई आप इसी में से 5 किलो आटा ले लीजिएगा, दोनों राजी हो गए, खुश। बाद में जब वक्त आया तो किसी आलिम से पूछा, उसने कहा भाई ये तो मामला फासिद है। उसने कहा भाई क्या करें, मैं तो मशीन चला चुका हूँ, आटा बन चुका है, अब मैं क्या करूँ? तो ऐसी सूरत में हुक्म यह है कि अगर ये काम मार्केट में करवाया जाता तो मार्केट में अपनी मशीन पर काम करने वाला कितनी उजरत लेता, ये मालूम करवाया जाए, और जब वो पता चल जाए तो उस कदर उजरत इस मशीन वाले को दे दी जाएगी। समझ गए आप? अच्छा, इसी तरीके से वो चीज़ें जो खालिस अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल होती है, ये भी अहम बात है, वो आलात मासीयत, मिसाल के तौर पे ढोल बाजे हैं, वीडियो कैमरे हैं, जो गलत कामों में इस्तेमाल होते हों, उसमें ऐसी चीज़ों के इजारे के मामलात वो जायज़ नहीं है। यानी अगर कोई मुसलमान चाहे कि जी मैं अपना काम शुरू कर रहा हूँ और उसने दुकान खोल ली, उसमें ढोल बाजे किराए पर दे रहा है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि ढोल बाजे किसी खैर के मसरफ में तो इस्तेमाल नहीं हो सकते, है ना? एक है कि भाई डेकोरेशन वाले होते हैं, उनके पास कुर्सी भी है, स्पीकर सिस्टम भी है, डाइस भी है, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये तो खैर के उमूर में भी इस्तेमाल होते हैं, नेकी की मजालिस में भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वो आलात जो ख़ास हो गए हैं आलात मासियत के लिए, उसमें और कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऐसी चीज़ों की दुकान खोलना या उसको किराए पर देना, उजरत पर देना, ये मामलात और इसकी कमाई कतई तौर पे जायज़ नहीं है, इससे तौबा करनी ज़रूरी है। अच्छा, इसी तरीके से क़ुरान करीम की तालीम हासिल करना, ये मसला थोड़ा सा समझने का है और इंशाल्लाह आप हज़रात को फ़ायदा भी होगा।
एक है कुरान की तालीम और एक है कुरान की तिलावत, दोनों में फ़र्क है ना। सुबह हम जाके कारी साहब के सामने बैठें और कारी साहब को अपना पारा सुनाएं, सबक सुनाएं, वो हमें सबक दे दे आ जाए, ये कारी साहब कुरान की तालीम दे रहे हैं, है ना। और एक ये कि साथी नमाज से पहले आके सफ़े अव्वल में बैठ के कुरान उठाते हैं, जब तक नमाज खड़ी नहीं हुई वो कुरान की तिलावत करते हैं, इसको तिलावत कहा जाएगा और उस सुबह वाले काम को तालीम कहा जाएगा। तालीम कुरान पर उजरत लेना या देना, ये मुताखिरीन फुकाहा के नज़दीक बिल इत्तेफाक जायज़ है। जैसे कारी साहिबान है, उलमा है, वो हमारे बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, कायदा पढ़ाते हैं, दीन सिखाते हैं, किताबें पढ़ाते हैं, जितनी भी सूरत हाल है, तो इस पर उनके लिए कोई मुनासिब हक़ुल ख़िदमत तय करना वो बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई कलाम नहीं है। एक ये है कि तिलावत करना, क्या मतलब? अच्छा, हमारे यहाँ बाज़ लोगों में एक मिजाज और आदत है जो बहुत गलत है और वो मसला भी उसको समझते नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दुकान है या घर है तो किसी से कहा, भाई हाफिज़ साहब से कि आप सुबह ज़रा आ जाया करें और 20 मिनट मेरे दुकान में तिलावत कर दिया करें, क्यों? ताकि बरकत हो जाए। कहा ठीक है, हाफिज़ साहब आए, 20 मिनट तिलावत की चले गए, रोज़ महीने के आखिर में इसने हाफिज़ साहब की खिदमत कर ली। तो आप बताएं कि हाफिज़ साहब ने कुरान की तालीम दी है या कुरान की तिलावत की है? तिलावत की। ये फ़र्क समझें, तालीम कुरान पर उजरत बिल इत्तेफाक जायज़ है, लेकिन तिलावत कुरान पर किसी को उजरत देना या तय करना बिल इत्तेफाक जायज़ नहीं है, ये जायज़ नहीं है। लिहाजा इसी ज़िमन में ये मसला भी लिखा कि अगर किसी ने किसी कारी साहब, हाफिज़ साहब या तालिब इल्म किसी को भी कहा, भाई फ़लाँ मरहूम का इंतकाल हुआ है, वालिद साहब, वालदा है, कोई भी, तो आप ऐसा करें कि एक महीने तक सुबह जाकर उनकी ख़बर पर सूरतुल बकरा या सूरह यासीन शरीफ आप ये पढ़ लें और मैं आपकी कुछ खिदमत कर लूँगा, तो वो कब्र पे जाके तालीम दे रहा है या तिलावत कर रहा है? तिलावत कर रहा है, तो उसको भी उजरत देना जायज़ नहीं है। अपनी इन कमज़ोरियों की इस्लाह ज़रूरी है। ख़ुद कुरान करीम की तिलावत का मामूल बनाना और उसके ईसाले सवाब की आदत बनाना, ये मुसलमान की जिम्मेदारी। अब हम वो भी पैसों पे कर रहे हैं, वो कमज़ोरी ज़िंदगियों का हिस्सा बन गई। एक तो मसला गलत हुआ, पैसे गलत दिए गए, उसका गुनाह अलग हुआ, और फिर दूसरा जो ईसाले सवाब एक बड़ा अमल था और हमारे मरहूम मुसलमान भाई या बहन का हक था, उसको ज़ाया कर दिया। तो इन चीज़ों में भी बहरहाल एहतियात बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से फुकहा ने लिखा कि ये भी गांव देहात की ज़िंदगी का मसला है, लेकिन बहरहाल सीखना चाहिए कि देहाती ज़िंदगी में जो लोग जानवर पालते हैं वो समझते हैं इस चीज़ की अहमियत को कि मादा जानवर को गाबन बनाना, यानी अफजाइश नस्ल असल मकसूद होता है कि एक भैंस है इससे नस्ल बढ़े, गाय की नस्ल बढ़े, बकरी की नस्ल बढ़े ना ये, और तो उसके लिए जो अल्लाह ने निज़ाम रखा है कि नर जानवर से उसकी जुफ्ती करवाई जाए, मिलाप करवाया जाए, तो बास जगह पर एक रिवाज है और ये हमारी सब फिकी किताबों में लिखा है कि बास लोग बाकायदा एक नर जानवर अपने घर में पालते हैं और वो पूरे इलाके में जिसको भी ज़रूरत हो अपने मादा जानवर के लिए वो उससे आके ले जाता है, किराया तय होता है, उजरत कि भाई एक रात के लिए ले जा रहे हैं तो अब 2000 रुपये या 1000 रुपये जो भी है तो वो ले जाते। तो ये अमल किराए पर नहीं हो सकता, ये जायज़ नहीं है, और इसकी उजरत तय करना ये भी जायज़ नहीं है, इसलिए कि ये तो एक कुदरती अमल है ना जो अल्लाह पाक ने हर जानदार के मर्द के अंदर रखा है, नर के अंदर रखा है, इसकी उजरत तय नहीं हो सकती है। लिहाजा अगर कोई अपना नर जानवर रखता है और फिर उसकी जुफ्ती की उजरत तय करता है, ये जायज़ नहीं है, तमाम फुकहा ने इसको भी नाजायज़ कहा है। अच्छा, इसी तरीके से अगर कोई अपना जानवर किसी को पालने के लिए दे दे, पालने के लिए दे दे, अब ये मसला मैं आप हजरात से पूछता हूँ ताकि अंदाज़ा हो कि आप कितना समझें बातों को। एक आदमी के पास बकरी थी और वो शहर आ रहा था अपने ज़रूरी काम से 4-5 महीनों के लिए, तो उसने बकरी अपने पड़ोसी को दी और उसको कहा, भाई आप इस बकरी का ज़रा ख्याल रखें,
इसको घास फूस वगैरह खिलाएं, और ये बकरी हामिला है, इसके पेट में बच्चे हैं, और ये बकरी हमेशा 2-3 बच्चे देती है, 4 जैसे बाज़ नस्लें होती। तो इसने जितने भी बच्चे दिए उसमें से 2 आपके होंगे और बाकी जितने होंगे वो मेरे होंगे। अब बताइए जायज़ है? जायज़ नहीं है। क्यों? उजरत में उसी जानवर का एक हिस्सा तय किया जा रहा है। जैसे बात हुई ना कि गंदम दी और कहा इसी का आटा आपको मिल जाएगा, या गाय ज़िबा करवाई और कहा इसी की खाल आपको मिल जाएगी, जायज़ नहीं है। इसी तरह अगर उजरत में यह तय किया कि इस बकरी या गाय या भैंस से जो बच्चे पैदा हुए वो आपको मिल जाएंगे उजरत के तौर पे, तो ऐसा करना भी शरई तौर पे वो दुरुस्त वो नहीं है। और इसी तरीके से ये भी एक आखिरी मसला है, अगर कोई सवारी किराए पर ले ले, ये तो बहुत आम है ख़ास तौर पे तकरीबात में, रेंट अकार का एक बड़ा मरबूत निज़ाम है, शादी में गाड़ियों की ज़रूरत होती है या कहीं सफ़र पे जा रहे हैं गाड़ी की ज़रूरत है ले रहे हैं, तो किराए पर गाड़ी ली, दिन तय किए, उजरत तय की, सब कुछ तय हुआ, पेट्रोल किसका होगा, सर्विस किसकी होगी, उसने सब कुछ लिख के आपको रसीद बना के दे दी। तो अब जाहिर सी बात है जो सवारी होती है उसकी एक हद होती है ना, आपने कहा नहीं भाई उसने मुझसे पैसे ले लिए हैं, मैं उसको दे चुका हूँ और पेट्रोल भी मेरा है और तेल भी मेरा है और सर्विस भी मेरी है, तो उस गाड़ी में आपने ला के 7-8 अफराद को बिठा दिया, जो 4 अफराद की थी उसमें उसकी हद और ताकत से ज़्यादा बिठा दिया, और उसकी वजह से उस किराए की गाड़ी को नुकसान हो गया। तो आया इस गाड़ी का मालिक इस आदमी से तावान का मुतालबा कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है, इसलिए कि उसने उस गाड़ी को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। हाँ, अगर ये तरतीब पे इस्तेमाल करता कि उसमें 4 सवारियाँ आती है, इसने 4 ही बिठाई, ख्याल भी रखा, सही ड्राइवर बिठाया, फिर गाड़ी में कोई फॉल्ट और नुकसान आ गया तो वो उसके ज़िम्मे नहीं है। आप समझिए बात को। तो बहरहाल ये इजारे से मुतालिक कुछ ज़रूरी मसाइल थे। अल्लाह पाक मुझे भी आप सबको सही अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.